लाइंस पैराग्राफ्स कवर जा रहे हैं और ये आइडिया एसपी सिंह सर का चलिए तो हम लोग पहले देख लेते हैं सर काफी है और इसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी, सबसे, सबसे से से पहले तो इसका डायग्राम ही बिल्कुल तो डायग्राम में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है आउटर मेमब्रेन इज मोर परमिबल इनर मेमब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोर जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें इन फोल्डिंग होती हैं जिसे तो सिंगुलर बोलेंगे क्रिस्टा और अगर है तो क्रिस्टी और इसी पर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी प्रेजेंट होती है क्रिस्टा पे मैट्रिक्स में साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दी हुई है दो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं इसका केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ पर H+ हाँ का कॉन्सेंट्रेशन इसी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ता है क्वेश्चन पूछा जाता है जी प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होगा वो स्टेब्लिश होगा तो ये सब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं देख लीजिएगा और मैट्रिक्स आपका प्रेजेंट होता है इनर में जो इनर कंपार्टमेंट है वहाँ पे जो फ्लूड प्रेजेंट होता है डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस का उसको हम लोग okay. मैट्रिक्स बोलते हैं तो ये से सर क्वेश्चन पूछे गए 2014, 15, 21, 13, 17 एंड uh, 16 तो okay. सर छह

इसमें होंगी सेमी ऑटोनोम होता है रीजन वही है डीएनए आर एन ए प्लस प्रोटीन्स राइबोसोम्स बट यहाँ पर जो डिफरेंस uh, है वो ये कि इसमें जो राइबोसोम्स होंगे सेल के कंपैरिजन में वो सेवेंटी एस टाइप के है माइक्रोकॉन्टियम में भी सेवेंटी एस है यहाँ पर भी तो सेवेंटी थर्टीर एक स्मॉलर एक लार्जर उसके बाद इसके सर वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है और हम लोग प्लांट किंगडम में भी जब हम लोग ग्रीन एलगी वहाँ पर पूछते हैं एलगी का क्लास है जिसमें क्लोरोप्लास्ट वेरिड शेप मोस्ट वेरिड शेप शो करता है तो कमेंट बॉक्स में इसको आंसर कौन सा है और सर अगर जैसे कि हम बात करें माइक्रोकॉन्डिया की माइक्रोकॉन्डिया का भी जो नंबर होता है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है सेल सेल की जितना एक्टिव होगा उतना ही ज्यादा ज्यादा होगी नंबर ऑफ और यहाँ पे भी सर आपको बच्चों को नंबर याद करने की बहुत जरूरत है की इसका भी नंबर वेरी करता है अगर हम क्लामाइडो मनास की बात करें जिसमें हम लोग को कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलता है इसमें वन पर सेल होता है वहीं अगर हम लोग ग्रीन एल का

तो हम लोग पहले हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्डिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है तो, जो की खुद सिस्टम का होते हैं, तो इनके पास इनका खुद का डीएनए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बच्चों और कौन कौन से ऑर्गे आते हैं जिसमें सर हम लोग ने ऑलरेडी एक एपिसोड रिकॉर्ड कर ओके जी माइट्रोकॉन्डिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर

तो यहाँ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जाएगा 2016 में पूछा गया है तो डीएनए तो सर यहाँ पे आंसर हमारा राइबोसोम बन जाएगा जो की हमारे प्रोटीन फैक्ट्रीज राइबोसोम जैसा आप लोगों को पता ही दीज आर नोन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए Plus proteins, तो यहाँ पर होगा हो में, 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 में 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 और और में में है, और क्लोरोप्लास्ट सभी सभी मिलेगा। हम लोगों को राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं और अगर एक सिंगल एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोकॉन्डिया अगेन सर स्ट्रक्चर है आपने बच्चों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इसमें लेबलिंग पूछी गई है करेक्टली। जी फंक्शन और लेबलिंग तो डी दे रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन सही है लेबलिंग सही है, है बट इसका फंक्शन देख लीजिए गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन मेमब्रेन इन तो, B दे रहे तो यही सही लग रहा है सी क्रिस्टा Puzzles. दे रहे हैं पजल सिंगल सर्कुलर डीएनए ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा ए मैट्रिक्स मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स ये क्रिस्टा में है तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा बी वाला सही है इनर मेम्ब्रेन फॉर्म एंड कॉल्ड क्रिस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए अगेन रिपीटेड क्वेश्चन

नेक्स्ट सर सर क्वेश्चन है है सेलेक्ट द द स्टेटमेंट अगेन पूछा गया बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड हैव इंटरनल कंपार्टमेंट्स थायलोकोइड स्पेस बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन बोथ दोनों दे दिया तो ये गड़बड़ लग रहा, रहा है बोथ chlor... बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं।

तो दैट्स इट फॉर इसमें इतना ही है एक बार सर बच्चों के लिए रिकैप कर देते हैं दे। तो रिकैप में हम लोग ने माइक्रोकॉन्डिया क्लोरोप्लास्ट देखा माइक्रोकॉन्डिया दे। को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है प्रोटीन्स भी होते हैं प्रोटीन सेंसिस के लिए एंजाइम्स होते हैं राइबोजोम्स होते हैं और इसकी जो राइबोजोम होता है सेवेंटी होता है जिसको हम लोग दो सब यूनिट्स होती है फिफ्टी एंड थर्टी Uh, जो माइट्रोकॉन्डिया है इसका जो नंबर है वो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन या एरोबिक रेस्पायरेशन की भी साइट होती है दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि कॉन्टीन्यूस होती है इनर मेम्ब्रेन में आपकी फोल्डिंग्स होती है जिनको हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं इन फोल्डिंग्स को और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लोग इंटर मेमरेन स्पेस होती है जहाँ पे आपका जो एक्शन पोटेंशियल है या जो uh, क्या कहते हैं

और इसके अपने ही सिंथ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी है बट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स नहीं होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं तो इसी वजह से इसे सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं इसमें अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पर थैलाक्वाइड्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड और ये थैलाक्वाइड्स सिंगल होगा तो इसको थैलाक्वाइड अगर ये स्टैक है तो इसको ग्रैनम बोलते हैं ग्रैनम इज सिंगुलर ग्रैना इज फ्लूरल और ग्रैना में लाइट रिएक्शन फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है